काबिज भारत सरकार की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल कवानीन में तरमीम को कश्मीरी आवाम ने मुस्तरद करते हुए इसे भारतीय दहशतगर्दी और उनके हुकूक छीनने की साजिश करार दिया है। इंडियन स्टेट टेररिज्म has been well documented and known around the world against the Kashmiri people, and now Indian Ministry of Home Affairs has issued an order, the Civil Services Act amendment, which actually touches the domicile. After the abolition of 370 and 35A, this was their BJP fascist regime's intention of changing the demography of Kashmir. And how do they do it? By issuing powers that those people who have served in the Indian military or in the civil service and lived in Kashmir for 15 years, they can now have a nationality in Kashmir. If their children have been to school between the class of 10th and 12th, they could also apply and get a domicile. That means that they could apply for the jobs, and the quota for the Kashmiris gets reduced. Kashmiris then become almost second-class citizens. This is actually a constitutional terrorism against the Kashmiri people. Taking their rights, giving them to other people. कश्मीरी आवाम का मौकफ है कि भारतीय हुकूमत के ये इकदामात बैन अलाक्वामी कानून और मुआहिदों की सरीह खिलाफवर्जी है। While the world is busy dealing with the deadly coronavirus, the government of India is continuing with its brutal policies towards Kashmiri people, almost on daily basis. Young boys have been killed by Indian forces. The whole political leadership from the valley has been put in prisons in different parts of India. The status of Kashmir state has been changed without any consultation or reference to the Kashmiri people. This is against all international laws and treaties that India has signed. कश्मीरी नौजवानों का कहना है कि इन कानून से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अक्सरियती आबादी अकलियत में तब्दील हो सकती है और रियासत जम्मू और कश्मीर के किसी भी खित्ते के लोगों को ये नए कानून मंजूर नहीं है। इन डोमिसाइल लॉज से यहाँ पे जो डेमोग्राफिकल चेंज हो सकती है, जो यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में चेंज हो सकती है, यहाँ के कल्चर को खतरा है, और यहाँ पे जो जॉब्स है जो यहाँ के यूथ के लिए रिजर्व रखे गए थे इंडिया गवर्नमेंट ने, उनको खतरा है, वो जहाँ जिस इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको खाली क्लास फोर्थ जो जॉब्स है उनके लिए उनको खाली रिजर्वेशन मिलेगी, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और ये कोई भी लोग जम्मू, चाहे वो जम्मू के हो, कश्मीर के हो या लद्दाख के हो, किसी को भी ये डोमिसाइल लॉज एक्सेप्ट नहीं है। कश्मीरी नौजवान कहते हैं कि भारत ने ये मंसूबा न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों की शनाख्त छीनने के लिए बनाया है बल्कि कश्मीरी पंडितों और दीगर तबकों की शनाख्त भी खतरे में है। इट इज गोइंग टू क्रिएट कल्चरल कैओस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर, बी इट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बी इट द डोगरास ऑफ जम्मू, द पहाड़ीज, द कश्मीरी ब्राह्मण, द कश्मीरी पंडित और द कश्मीरी मुस्लिम सिख और हूएवर, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ कल्चरल कैओस एंड एन आइडेंटिटी क्राइसिस व्हेन गवर्नमेंट विल invite people from other states or other places to settle in the Jammu and Kashmir because of this new law. आलमी बरादरी कोरोना वायरस के गंभीर मसले से निमटने के साथ साथ भारत पर भी नजर रखे, जो इस आलमी वबा का फायदा उठाते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सजा देकर उनका मुस्तकबिल तबाह करने पर तुला हुआ है।